Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent Shukla Ganj Unnao. Hello, welcome to online classes. Today I am explaining the chapter 1, the advent of Christianity. Now we start the topic spread of Christianity, Isai Dharm ka Vistar. Roman Emperor Constantine followed a policy of tolerance towards Christians. Roman Samrat Constantine ne Christians ke prati tolerance ki policy ko follow kiya tha. Constantine built a new imperial capital at Byzantium, which was called Constantinople, present day Istanbul. Constantine ने एक नई इंपीरियल कैपिटल बाइजेंटाइन में बनाई जिसको कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था और वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है. द सिटी हैड क्रिश्चियन स्टाइल आर्किटेक्चर. उस शहर में क्रिश्चियन की स्टाइल की भवन निर्माण स्टाइल थी. बाय द 4th सेंचुरी क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर. 4th सेंचुरी में ईसाई धर्म रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गया था. कंटेस्टाइन प्लेस द ग्रीक इनिशियल फॉर क्राइस्ट ऑन सील्स हिज सील्स एंड बैनर. कंटेस्टाइन ने अपने सील्स और बैनर पर क्रिश्चियंस के लिए ग्रीक इनिशियल्स को प्लेस किया था. टुडे नाउ आई स्टार्ट द एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर का विभाजन. रोमन वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड नाइदर डिड रोम फॉल इन अ डे. रोम न तो एक दिन में बना और न एक दिन में रोम का पतन ही हुआ. व्हेन एम्परर थियोडोसियस डाइड अबाउट 60 इयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ही लेफ्ट 2 सन्स. जब सम्राट थियोडोसियस की मृत्यु हुई 60 इयर्स कॉन्स्टेंटाइन की फाउंडेशन के 60 इयर्स बाद ही लेफ्ट 2 सन्स. तो उसके दो बच्चे थे. दे डिवाइडेड द एम्पायर बिटवीन देम. उसने अपने एम्पायर को दोनों के बीच में विभाजित कर दिया. आर्केडियस द एल्डर सन टेकिंग कॉन्स्टेंटिनोपोल एज हिज कैपिटल रूल ओवर द ईस्टर्न एम्पायर एंड होनोरियस अ चाइल्ड ऑफ 11 बिकेम रूलर ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर विद रोम एज हिज कैपिटल. आर्केडियस बड़ा बेटा उसने कॉन्स्टेंटिनोपोल को अपनी कैपिटल बनाई और ईस्टर्न एम्पायर में शासन किया. और होनोरियस जो 11 साल का एक बच्चा था वो वेस्टर्न एम्पायर का शासक बना और रोम उसकी कैपिटल थी. इट वॉज अपॉन हिम दैट द वेस्टर्न एम्पायर दैट द फुल फोर्स ऑफ बर्बेरियन ऑन स्लॉट फेल. ये रोम था जिस पर वेस्टर्न एम्पायर का पूरा जिस पर बर्बेरियन ने अटैक किया और वेस्टर्न एम्पायर पर इसका असर पड़ा. दीज ट्राइब्स अटैक्ड एंड प्लंडर्ड मेनी रोमन टेरिटरीज इंक्लूडिंग रोम. इन जंगली जातियों ने अटैक किया और रोमन बहुत सारी रोमन टेरिटरीज में को जिसमें कि रोम भी इंक्लूड था उनको लूट लिया प्लंडर कर लिया. द फॉल ऑफ द सिटी ऑफ रोम एंड द वेस्टर्न एम्पायर डिड नॉट पुट एन एंड टू द रोमन एम्पायर. सिटी रोम की सिटी का फॉल होना और वेस्टर्न एम्पायर का इससे रोमन एम्पायर का अंत नहीं हुआ. द ईस्टर्न एम्पायर सर्वाइव्ड फॉर अनदर 1000 ईयर्स. ईस्टर्न एम्पायर हजारों साल तक सर्वाइव करता रहा. देयर वर मेनी फैक्टर्स व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर. बहुत सारे फैक्टर्स थे रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के लिए. नंबर 1 क्रिश्चियनिटी वॉज लेस टॉलरेंट ऑफ अदर कल्चर्स एंड रिलीजन्स. ईसाई धर्म दूसरे कल्चर्स और रिलीजन्स का के लिए कम टॉलरेंट था. फॉर एग्जाम्पल एम्प्रेस थियोडोसियस एंडेड द ओलंपिक गेम्स बिकॉज दे ऑनर्ड ज्यूज. एग्जाम्पल के लिए एम्प्रेस थियोडोसियस ने ओलंपिक गेम्स का अंत कर दिया क्योंकि वे ज्यूज का सम्मान करते थे. रोमन सोल्जर्स वर लॉयल टू दियर मिलिट्री लीडर्स रेदर देन बींग लॉयल टू दियर एम्प्रेयर. रोमन्स के जो सैनिक थे वो अपनी मिलिट्री के नेताओं को के प्रति ज्यादा विश्वास पात्र थे अपेक्षा अपने एम्परर के लॉयल होने की. फेलिंग इकोनॉमी कास्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ वास्ट एम्पायर. और इतने बड़े एम्पायर के लिए बहुत सारी जो फेलिंग इकोनॉमी थी एक प्रॉब्लम थी.
heavy and unjust taxes upon the middle class led to unrest. भारी और अनजस्ट जो टैक्सेस थे वो मिडिल क्लास के लिए अनरिस्ट थे. रोमन्स बिकेम लेजी एंड कम्फर्टेबल विद टाइम. रोमन्स वाले लेजी हो गए और समय के साथ कम्फर्टेबल हो गए. रोमन्स हायर्ड बर्बेरियन मशीनरीज टू गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द एम्पायर. रोमन्स ने बर्बेरियन मशीनरीज को एम्पायर के बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए हायर किया. हाउएवर दिस प्लान हैड बैकफायर्ड व्हेन बर्बेरियंस इन्वेडेड. जबकि ये प्लान बैकफायर्ड हो गया जब बर्बेरियंस ने उस पर अटैक किया. नाउ आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक. स्टे होम स्टे सेफ.